का सारा न्यूज़ पोर्टल, मीडिया, नेट, सभी के सब भारत में जो डॉक्टरों की हड़ताल है उससे भरे पड़े हैं। मेरे कई डॉक्टर मित्र हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि क्या बुद्ध और बंगाल के डॉक्टरों की हड़ताल के विषय पर कुछ बातें हो सकती हैं। मैंने कहा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है आज की दुनिया में जिसमें मनुष्य इन्वॉल्व होता हो और वो बुद्ध की दी हुई फिलॉसफी को टच ना करता हो या उसमें समाहित ना हो सके। डॉक्टरों की पिटाई हुई, डॉक्टर को पीटने वाले लोग भारतीय थे और पिटने वाले लोग भी सभी के सभी भारतीय हैं, तो ये बात क्लियर है कि बाहर से कोई उनको पीटने के लिए नहीं आया। डॉक्टर क्यों पिटे, डॉक्टर क्यों पिट रहे हैं? डॉक्टर का जो दर्जा था वो भगवान का दर्जा भारत में माना जाता था, जो चिकित्सक होते हैं। अब लगभग डॉक्टरों की इज्जत समाप्त हो चुकी है। जो भगवान का दर्जा था वो डिमोट होके, डिमोशन होके, अवनति होके, नीचे गिर के धीरे धीरे बिजनेसमैन से होता हुआ और शैतान तक पहुंचने वाला है, क्योंकि कुछ डॉक्टर किडनी के बेचने के आरोप में भी गिरफ्तार हुए हैं। ये जो डॉक्टरों की अवनति हो गई और जो उनको भगवान का दर्जा मिलता था भारत के अंदर, वो दर्जा समाप्त होके और वो बिजनेसमैन से होते हुए और शैतान के दर्जे तक जो वो पहुंच रहे हैं, इस अवनति का, इस डिमोशन का छोटा सा और सीधा सा एक कारण जो यहाँ दिखाई देता है और जो होता है वो बहुत ही स्पष्ट है। ये जो बेसिकली हड़ताल हुई है, ये हड़ताल इसलिए हो रही है कि डॉक्टर चाहते हैं कि हमें वो जो भगवान का दर्जा है वो हमारा बरकरार रहे, लोग हमें उस दृष्टि से देखें कि सामने भगवान का दूत या भगवान का एक आदमी या भगवान का एक जो मैसेंजर है वो हमारे लिए काम कर रहा है और वो जीवन बचाने का काम कर रहा है, वो उसको उतनी इज्जत दें। और वो ये भी चाहते हैं कि वो उनको पैसा भी दे, क्योंकि उन्होंने इस नोबल प्रोफेशन को, इस श्रेष्ठ पेशे को धंधे में बदल दिया। अब डॉक्टर पहले पैसा, पहले फीस की बात करता है, उसके बाद में इलाज की बात करता है। पुराने समय में ऐसा नहीं था। ये जो उन्हें भगवान का दर्जा हासिल हुआ है ये उनके आज के कर्मों से नहीं है। ये पुराने जो वैद्य थे, पुराने जो हकीम थे, पुराने जो चिकित्सक थे, या जो बहुत पुरानी भाषा में जिनको हम भैसज्ज बोलते थे, भैसज्ज, वो भैसज्जों ने ये सारी की सारी कमाई की, जिस वजह से आज उनको भगवान का दर्जा मिलने के लिए फड़फड़ाहट हो रही है। जीवक, आपको याद होगा, जीवक बुद्ध के समय में एक अनाथ बच्चा था जो तक्षशिला, इस समय जो अफगानिस्तान के अंदर जगह है, वहाँ की विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी से दो शास्त्र उसने पढ़े। एक उसने चिकित्सा के अंदर एक सर्जरी पढ़ी और एक उसने फिजिशियन वाला जो होता है, यानी देख के जो ओपीडी वाला होता है फिजिशियन, वो उसने पढ़ी। जब वो उसमें पारंगत हो गया तो पारंगत होते समय जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसके गुरु ने उसको कुछ खाने का पाथे दिया, यानी पैसा दिया कि रास्ते में बहुत लंबा रास्ता है, वो राजगीर तक जाएगा, वैशाली तक जाएगा, तो उसके पास होना चाहिए। वो उसका जो पाथे था, जो रास्ते का खर्च था, वो रास्ते में ख़त्म हो गया, उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी। तो उसने देखा नगर के अंदर, जहाँ बीच में नगर पड़ा, कि यहाँ कोई बीमार हो तो उसका इलाज करके वो कुछ पैसा ले ले। वहाँ के जो नगर सेठ था, उसकी जो भार्या थी, भार्या यानी कि उसकी पत्नी, उसको बहुत दिनों से सरदर्द रहता था और वो ठीक नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। तो जब सेविका ने ये कहा कि बाहर एक लड़का है जो कहता है मैं ठीक कर दूंगा, तो उसने कहा लड़का क्या ठीक करेगा, इतने पुराने पुराने वैद्य आए, इतने पुराने पुराने भैसज्ज आए, वो ठीक नहीं कर पाए, ये भैसज्ज क्या ठीक करेगा। उसने कहा कि आप एक काम करना, मेरे को बाद में पैसा देना, पहले आप ठीक हो जाइए। उसने कहा ठीक है,
उसने वहां जो भैसज था जीवक, उसने वहां उसको कुछ तेल दिया और तेल नाक से डाल के मुंह से निकालने के लिए कहा। उसने नाक से तेल लिया, मुंह से निकाला और कुल्ला करके पीकदान में, और नौकरानी जो सेविका थी उसके कहा कि इसको रख दे। तो जीवक ने सोचा कि ये मुझे क्या देगी, ये तो तेल भी जो थूकने वाला तेल है उसको नहीं बचा रही है। उसने कहा भार्या ने कि आप बेफिक्र रहें, ये तेल जानवरों के शरीर पर मलने काम आ जाएगा, इसलिए हमने इसको बचा के रख लिया है, हम कोई चीज़ ख़राब नहीं करते, आप इलाज करें। इलाज करने में वो ठीक हो गई और उसने उसको खूब सारा पैसा जीवक को दिया। जीवक वहाँ से चला गया, मगर रास्ते में जो भी रोगी मिले उन सबकी सेवा उसने फ्री की। अपनी आजीविका के लिए वो धन लेता था उन लोगों से जिनके पास धन था, और अपना कर्तव्य अपनी सेवा करता था, यानी जिनके पास धन नहीं था उनको वो इलाज करता था। इलाज करने के लिए कभी उसने मना नहीं किया। उसने राजा बिंबिसार का इलाज किया, उसने उज्जैन के राजा का इलाज किया, उसने भगवान बुद्ध का इलाज भी किया और वो बुद्ध का शिष्य हो गया, क्योंकि भैसज्जों के जो गुरु थे वो भगवान बुद्ध थे। जीवक का सबसे अचूक काम था वो था आयु की वेदनाएं जानना, यानी आयु की वेदनाएं कैसे बढ़ती हैं ये बुद्ध के संपर्क में आने के बाद उसने सीखा, और उसी के बाद में जानकारी आयुर्वेद के अंदर, यानी आयु बढ़ाने वाली जो वेदना है उसके अंदर उसकी सारी टेक्नोलॉजी, सारी सिस्टम उसने, सारा तंत्र उसने बताया और दिया। और आज भी जीवक बहुत फेमस करेक्टर है मेडिकल साइंस के अंदर। तो ये जो उस समय के वैद्य और उस समय के जो हकीम थे, उन्होंने अपने प्रोफेशन में कभी भी पैसे को आड़े आने नहीं दिया। आज भी जो वैद्य हैं, जो हकीम हैं, जो चिकित्सक हैं, यानी यूनानी टाइप के जो लोग हैं जो यूनानी दवाएं बेचते हैं, वो पैसे को तरजीह नहीं देते, उनकी आज भी इज्जत है। मगर जो चिकित्सा पद्धति यूरोप से आई, पश्चिम से आई, अमेरिका से आई, वो अपने साथ में करुणा, ममता, भाईचारा सब समाप्त कर गई। वहाँ सिर्फ बिजनेस होता है, पैसा है तो इलाज होगा, पैसा नहीं है तो इलाज नहीं होगा। वो सारी बातें आज की डेट में वो डॉक्टर सीखते हैं। जब वो एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेता ही इसलिए है कि वो बंगला, कोठी, कार और बहुत पैसा चाहेगा और वो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। मेन मकसद सेवा करना नहीं है, सेवा की शर्त है, सेवा की शर्त है, मगर पैसा चाहिए। वो जो पुरानी पद्धति थी हकीमों की, वैद्यों की, भैसज्ञ की, उस पुरानी पद्धति के हिसाब से, जो चिकित्सकों की पद्धति थी उसके हिसाब से आज भी मान्यता है कि जो डॉक्टर आज का होता है, चाहे बेसिक एलोपैथी का है, वो भगवान का दर्जा प्राप्त करता है। इसीलिए कोई भी मरीज कभी किसी डॉक्टर से मोल भाव नहीं करता, बार्गेनिंग नहीं करता, मोल तोल नहीं करता, सौदा नहीं करता। जो डॉक्टर ने फीस बता दी उस फीस को वो बड़े श्रद्धा, बड़े भाव से दे देता है, एहसान के साथ में कि आपने मुझे देखा, धन्यवाद इसका। और वो डॉक्टर क्या कर रहा है, 2 रुपए की गोली के 200 रुपए ले रहा है, या क्या कर रहा है, उसको 200 रुपए की गोली लिख रहा है, स्पेसिफिक गोली लिख रहा है ताकि उस गोली का कमीशन बाद में आ जाए। ओपन है, नेट पर है, सब है, जग जाहिर है, सबको पता है कि जितनी कंपनियां हैं दवाइयों की उनका जो अधिकतम खर्च है वो डॉक्टरों को गिफ्ट में या डॉक्टरों को कहीं बाहर भेजने में या डॉक्टरों की फरमाइश पूरी करने में इनडायरेक्ट वे से उनकी इच्छाएं फुलफिल करने में लगा हुआ है। वो पैसा मरीज से आता है। जितने भी टेस्ट डॉक्टर कराते हैं आज की डेट में, वो 2 रुपए का अगर टेस्ट होता है तो 200 रुपए का टेस्ट होता है, और मरीज को एक जगह बताई जाती है जहां से उसका कमीशन शाम को उसके घर आ जाता है। जितने भी डॉक्टर हैं वो जबरदस्ती का ऑपरेशन कराते हैं और बताते हैं कि ये ऑपरेशन आपको कराना जरूरी है, आपका हार्ट ठीक हो सकता है मगर आपको स्टंट डाल देंगे वो, क्योंकि एक डॉक्टर सेम ये कहता है कि स्टंट की जरूरत नहीं है, एक कहता है ये। फिर पैकेज बना दिए गए हैं कि अगर आप 8 लाख कमाएंगे महीने में तो आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, आप 80 लाख कमाएंगे तो आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, आप अगर 8 करोड़ कमाएंगे तो आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी। स्थिति यहां तक आ गई है कि अगर आपका मरीज मर गया और आपके पास पैसा नहीं है तो मरीज नहीं मिलेगा आपको, डेड बॉडी नहीं मिलेगी। यहां तक मामला खराब हो गया है कि अगर आपको कोई अंग बदलवाना है अपना, तो अंग बेचने और खरीदने का सारा खरीद फोक का धंधा एक हॉस्पिटल डॉक्टर के नाम पर चल रहा है। तो ये जो भगवान का जो वर्क था, जो भगवान के नाम से पैसा बड़ा मशहूर था, उसको आपने बिजनेस बना दिया, आपकी इच्छाएं उसको बिजनेस में ले आई, अब आपका ध्यान पैसे पर है। तो बिजनेस के कुछ रूल और बिजनेस के कुछ सिस्टम होते हैं।
अब आप कंज्यूमर एक्ट के अंदर आते हैं, आप पैसा ले रहे हैं, मन माना पैसा ले रहे हैं, आपने बोर्ड पर लिख दिया 500 रुपये की फीस है, 1000 रुपये की फीस है, 2000 रुपये की फीस है। वो पैसा आप पहले एडवांस में आपका लड़का या बॉय ले लेता है, उसके बाद आप उसे देखते हैं, क्या देते हैं क्या दिखाते हैं उसे जानकारी नहीं होती है, और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि जो आपने बताया है वो डायग्नोसिस ठीक है या नहीं है। तो पैसा दिया है तो पैसे के बदले में काम तो पूरा लेगा, अब पेशेंट भी तो ग्राहक है ना। जब आपने भगवान का दिया हुआ जो स्टेटस था वो ख़त्म करके और व्यापारी का स्टेटस अपना लिया, तो मरीज ने भी श्रद्धा का स्टेटस अपना के उपभोक्ता का स्टेटस अपना लिया। अब वो उपभोक्ता है तो वो तो अपने राइट्स मांगेगा। अब आप ये चाहते हो कि जो हम करें वो ठीक है, वो हमसे हिसाब किताब ना मांगे, वो मरीज बना रहे और हम व्यापारी बन जाएं, ऐसा संभव नहीं है। व्यापार में दोनों की बात चलती है, पैसा दिया है तो पैसे का मोल पूरा होना चाहिए। बस यही झगड़ा है, झगड़ा यही है कि आप चाहते हैं कि वो आपसे बात ना करे, आपसे ना पूछे, आपसे अपने पैसे का जो कीमत है वो ना मांगे और पुरानी बात को अपनाए, ये आप उम्मीद करते हैं। और वो ये कहता है कि अब मैं उपभोक्ता हूँ, ग्राहक नहीं हूँ, तो मुझे पैसे का पूरा मोल मिले। यही झगड़ा होता है और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो बहुत नोबल कार्यक्रम, जो बहुत नोबल पेशे थे, वो सारे सारे व्यापारी में हो गए, क्योंकि आपको जो गवर्न कर रहा है, आपको जो रन कर रहा है, वो अब भारत का आयुर्वेद नहीं कर रहा है। भारत के आयुर्वेद के अंदर तो आज भी जो वैद्य है, जो हकीम है, उसकी बहुत इज्जत है, उसकी बहुत मान्यता है, उसको आज भी हकीम जी और वैद्य जी कहते हैं। बेशक उसके पास पैसा नहीं है, मगर वो आयुर्वेद में देसी दवाइयों में आज भी उसकी इज्जत बरकरार है, लोग बंधे हाथों से जाते हैं और उसको बाकायदा बहुत इज्जत और मान सम्मान वही भगवान वाला देते हैं जो भगवान बुद्ध का था। मगर एलोपैथी में तो मामला ख़राब है। एलोपैथी का तो आप नेट भरा पड़ा है आपके। एलोपैथी का जो डॉक्टर है, जब वो एक सेटअप बना लेता है तो वो चाहता है कि ये उसका जो पेशा है वो परंपरागत चलता रहे। यानी कि आप ये मानते हैं कि आपके जो बच्चे हैं या औलाद हैं वो इस काबिल हैं कि वो डॉक्टर ही बनेंगे, और अगर वो नहीं बन पाते हैं, इस काबिल नहीं होते हैं, तो आप उनको इधर उधर से करके कैसे ना कैसे इस गद्दी पे बिठा देते हैं। अब यहाँ एक झगड़ा और भी है। झगड़ा ये है कि आपकी इस गद्दी पे, इस राजशाही पे जो पैसा कमाने का तंत्र आपने विकसित किया है, कोई और ना आ जाए। अब व्यापारिक झगड़ा है। इस व्यापारिक झगड़े में कुछ लोग डॉक्टर वो भी बन गए जो पहले डॉक्टर, बहुत पहले डॉक्टर थे, बाद में वो एजुकेशन चली गई और फिर वो आ गए। जब उनको प्रतिनिधित्व मिला, जब उनको प्रेजेंटेशन मिला, जब रिप्रेजेंटेशन उनको मिला, तो वो जो SC ST OBC या माइनॉरिटी के नाम से या गरीब जो लोग थे वो भी डॉक्टर बन गए। इस डॉक्टर बनने में कहीं ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ने की छूट मिली हो या उनको मार्क्स की छूट मिली हो, क्योंकि एग्जाम उन्होंने पास किया, एग्जाम पास करके वो आए और एग्जाम पास करके डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने की सारी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने, सारी एजुकेशन पूरी की, मगर अंतर यह है कि वो गरीब तबके से आए, इसलिए वो गरीबों के लिए ज़्यादा हमदर्द हो गए और वो सस्ते में इलाज करने लगे। सस्ते में इलाज करने से जो व्यापारिक स्ट्रक्चर है वो डाउन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। कहाँ तो एक डॉक्टर ले रहा है बुखार के देखने का 1000 रुपये की फीस, और कहाँ 100 रुपये में दूसरा डॉक्टर दवाई भी दे रहा है, और कहाँ तीसरा 30 रुपये में दवाई भी दे रहा है, क्योंकि गोली तो 2 रुपये की आती है। उस 2 रुपये की गोली को 2000 की बेचो या 200 की बेचो या 20 की बेचो या 3 रुपये की बेचो। तो उन डॉक्टरों को जब ये जानकारी हो गई कि इसमें गड़बड़ ज़्यादा है, तो उन्होंने गरीबों की सेवा करनी शुरू कर दी। आपने उनके साथ में भेदभाव शुरू कर दिया, उनको ह्यूमिलेट करना शुरू कर दिया। आपने डॉक्टर तड़वी को इतना ज़्यादा परेशान किया क्योंकि वो ST से आती थी, अगर वो ST में जाती तो वहाँ वो कितने लोगों का भला करती और कितने गरीब लोगों का सेवा करती वो, और कितना पैसे, कितना देश का फायदा करता, कितना पैसा बचता, सिर्फ इसलिए कि आपका बिजनेस मेंटेन रहे। इस दिक्कत की वजह से, इस बात की वजह से झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स में आपस में इतने मनमुटाव हैं कि डॉक्टर कास्टिज्म पे ध्यान देते हैं। ये हॉस्टल से होता है, जब वो हॉस्टल में आते हैं तो उस समय कास्टिंग बड़े जोरों से होती है और उस कास्टिंग की वजह से खूब झगड़े चारों तरफ होते हैं। ये झगड़े चल रहे हैं, इसके अलावा और भी झगड़े डॉक्टर्स के अंदर चल रहे हैं। इन झगड़ों की वजह से डे बाय डे उनकी इज्जत खराब हो रही है और अब इज्जत लगभग 0 हो चुकी है।
इस इज्जत को अगर रिवाइव करना है, इस इज्जत को अगर अच्छी तरह से मेंटेन करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको दोबारा से सेवा भाव में आना पड़ेगा, आपको दोबारा से ईर्ष्या खत्म करनी पड़ेगी, आपको भाईचारा प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, भारत की सेवा करनी पड़ेगी, तब ये बात हो सकती है, तब ये झगड़े बंद हो सकते हैं, तब ये पिटाई मार पिटाई झगड़े खत्म हो सकते हैं। धन्यवाद।